Hey friends, welcome back to my YouTube channel. So, आज हम देखने वाले हैं हमारी टैली ERP 9 में अगर गलती से अगर आपका लाइसेंस जो है वो आप वहां से लॉग आउट हुए हो और आपको अभी आपके लाइसेंस में वापस से लॉग इन करना है. तो बहुत बार ऐसे होता है कि टैली जो ऑपरेटर्स होते हैं या ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं वो ही आके हमें टैली का लाइसेंस एक्टिवेट करके देते हैं. लेकिन कुछ कभी कभी हम अगर हमारे लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं या फिर कोई और टेक्निकल इश्यूज के वजह से अगर हमारे लाइसेंस से हम लॉग आउट हो जाते हैं तो हमें वापस से लॉग इन करने के लिए क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले आपको जब भी आप टैली का लाइसेंस लोगे तो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड तो मिल ही जाएगा जो आपको आपके पास ही रखना है और उसे सेव रखना है. ये यूजर आईडी और पासवर्ड जो होता है वो आपको हमेशा किसी भी लाइसेंस के लिए, आप अगर विंडोज का भी लेते हो, एमएस ऑफिस का भी लेते हो या फिर टैली का लेते हो या किसी और सॉफ्टवेयर का भी लेते हो तो आपको ये हमेशा हमेशा के लिए आपके पास सेव ही रखना है. तो आज हम देखने वाले कि हमारे टैली का जो है वो अभी मैंने अभी लॉग इन कर दिया और मुझे अभी ऐसे पता चला है कि मेरा जो लॉग इन था वो अभी लॉग आउट हुआ है. तो मुझे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. तो इतने सारे ऑप्शन में से मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कैसे मुझे मेरे वापस लाइसेंस में लॉग इन करना है. ओके, तो यहाँ पे एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट अ रेंटल लाइसेंस, कॉन्फिगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, लॉग इन एज रिमोट टैली डॉट नेट यूजर वर्किंग इन एजुकेशनल मोड. तो बहुत बार क्या होता है अगर मैं इसे स्किप कर दूं तो मैं एजुकेशनल मोड में चली जाती हूँ. एजुकेशनल मोड क्या होता है टैली का, जहाँ पे हम एडिट नहीं कर सकते, मतलब एक ही डेट आपको मिल जाती है जहाँ पे आप आपके वाउचर्स एंट्री कर सकते हो. तो मतलब फर्स्ट अप्रैल होगा तो मैं सिर्फ सारी एंट्री फर्स्ट अप्रैल पे ही कर सकती हूँ, उसके बाद मैं नहीं कर सकती. इसलिए एजुकेशनल मोड सिर्फ स्टडी के लिए है. अगर आप आपके बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हो तो एजुकेशनल मोड बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है. तो फिर मुझे क्या करना है, एक्टिवेट योर लाइसेंस या रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, ये दोनों ऑप्शन में से मुझे एक सिलेक्ट करना है और जो होगा रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे उसे रीएक्टिवेट करना है. ओके, सो मैं इसे एंटर कर देती हूँ. यहाँ पे वो पूछ रहे यू नीड एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, तो यस, यहाँ पे भी मैं यस कर देती हूँ. मेरा टैली जो है वापस स्टार्ट हुआ है. और अभी मुझे क्या करना है, तो अभी मुझे यहाँ पे दो तीन ऑप्शन, दो ऑप्शंस दिख रहे हैं जो है कि एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी और टैली डॉट नेट पासवर्ड. तो एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी मेरा क्या है और टैली नेट पासवर्ड क्या है. ओके, तो मैंने वो एक जगह पे सेव करके रखा था, मेरे पास वो सेव है और वो अभी मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ. मुझे यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ जो कुछ भी मेरा एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी है. ओके, और अभी मेरा जो पासवर्ड है वो मुझे डालना है और एंटर करना है. और यहाँ पे मुझे नोट आया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली रीएक्टिवेटेड. मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ और यहाँ पे मेरा वापस से लॉग इन हुआ है. तो अगर आपका कोई भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से अगर आप लॉग आउट होते हो तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो लॉग इन हो सकता है, कोई भी हरकत नहीं, और किसी भी डीलर को बुलाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप कर सकते हो. तो ये बहुत बार इश्यूज आ चुके हैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को, आ चुके हैं मेरे एम्प्लॉयज को भी आई हुई है, क्योंकि कभी कभी मेरे यहाँ से भी लॉग आउट हो जाता है तो तभी किसी भी डीलर को फोन करने की, उनका वेट करने की कोई जरूरत नहीं है. हम कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास वो एडमिनिस्ट्रेटर आईडी होना चाहिए और टैली डॉट नेट का पासवर्ड होना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो आज की यूजफुल लगी हो. अगर यूजफुल लगी हो तो जरूर मुझे बता दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.